जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जो आज इमरान खान पे मर्डर अटेम्प्ट हुआ उसमें कुछ टेक्निकलिटीज और बड़े शकूक और शुबात हैं, स्पेशली जो हमलावर की उन्होंने स्टेटमेंट इशू की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज तो अपने मतलब ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मौका इस तरह का मुझे करनी पड़ गई है कि मैं 1991 में 15 डिवीजन के अंदर बेस्ट शूटर था, मैं बेस्ट फायरर था अपने उस डिवीजन के अंदर अदर आर्म्स में। मैं आपको बताऊं कि जो पिस्टन का फायर है ना, इट इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट। ये इतना मुश्किल है इसका निशाना लेना, इवन हम 50 गज से करते थे, कि इसके लिए एक बहुत बड़ी आपको ट्रेनिंग चाहिए। और पिस्टन के सारे जाके फायर कंटेनर को लगना और इस तरीके से हिट करना, ये मुश्किल नहीं बल्कि बड़ा नामुमकिन है कि आप इतने जबरदस्त, वो भी जब आपको एक रेजिस्टेंस मिल रही हो, आपके पास बंदा खड़ा हो, उसने सारे आपके निशाने जो खता गए, ये नहीं है। इसमें दो या तीन चार शूटर इसमें इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट लोकेशन से उन्होंने फायर किए, और उन लोकेशन से जो डिफरेंट लोग हर्ट हुए, अभी तो ये जो क्राइम सीन है उससे ये पता चलेगा एग्जैक्टली, आप असरटेन करेंगे कि ये किस तरीके का फायर था, किस किस डायरेक्शन से आया, किस किस वेपन से ये फायर हुआ। उसमें तो एक ब्रस्ट भी जो है ना, उसकी हमें आवाज आ रही है, अगर वो डमी नहीं दिखा रहे एक्चुअल है तो ये इज नॉट दैट सिंपल। पहली बात यह। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जो आज इमरान खान पे मर्डर अटेम्प्ट हुआ उसमें कुछ टेक्निकलिटीज और बड़े शकूक और शुबात हैं, स्पेशली जो हमलावर की उन्होंने स्टेटमेंट इशू की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज तो अपने मतलब ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मौका इस तरह का मुझे करनी पड़ गई है कि मैं 1991 में 15 डिवीजन के अंदर बेस्ट शूटर था, मैं बेस्ट फायरर था अपने उस डिवीजन के अंदर अदर आर्म्स में। मैं आपको बताऊं कि जो पिस्टन का फायर है ना, इट इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट। ये इतना मुश्किल है इसका निशाना लेना, इवन हम 50 गज से करते थे, कि इसके लिए एक बहुत बड़ी आपको ट्रेनिंग चाहिए। और पिस्टन के सारे जाके फायर कंटेनर को लगना और इस तरीके से हिट करना, ये मुश्किल नहीं बल्कि बड़ा नामुमकिन है कि आप इतने जबरदस्त, वो भी जब आपको एक रेजिस्टेंस मिल रही हो, आपके पास बंदा खड़ा हो, उसने सारे आपके निशाने जो खता गए, ये नहीं है। इसमें दो या तीन चार शूटर इसमें इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट लोकेशन से उन्होंने फायर किए, और उन लोकेशन से जो डिफरेंट लोग हर्ट हुए, अभी तो ये जो क्राइम सीन है उससे ये पता चलेगा एग्जैक्टली, आप असरटेन करेंगे कि ये किस तरीके का फायर था, किस किस डायरेक्शन से आया, किस किस वेपन से ये फायर हुआ। उसमें तो एक ब्रस्ट भी जो है ना, उसकी हमें आवाज आ रही है, अगर वो डमी नहीं दिखा रहे एक्चुअल है तो ये इज नॉट दैट सिंपल। पहली बात यह। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जो आज इमरान खान पे मर्डर अटेम्प्ट हुआ उसमें कुछ टेक्निकलिटीज और बड़े शकूक और शुबात हैं, स्पेशली जो हमलावर की उन्होंने स्टेटमेंट इशू की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज तो अपने मतलब ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मौका इस तरह का मुझे करनी पड़ गई है कि मैं 1991 में 15 डिवीजन के अंदर बेस्ट शूटर था, मैं बेस्ट फायरर था अपने उस डिवीजन के अंदर अदर आर्म्स में। मैं आपको बताऊं कि जो पिस्टन का फायर है ना, इट इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट। ये इतना मुश्किल है इसका निशाना लेना, इवन हम 50 गज से करते थे, कि इसके लिए एक बहुत बड़ी आपको ट्रेनिंग चाहिए। और पिस्टन के सारे जाके फायर कंटेनर को लगना और इस तरीके से हिट करना, ये मुश्किल नहीं बल्कि बड़ा नामुमकिन है कि आप इतने जबरदस्त, वो भी जब आपको एक रेजिस्टेंस मिल रही हो, आपके पास बंदा खड़ा हो, उसने सारे आपके निशाने जो खता गए, ये नहीं है। इसमें दो या तीन चार शूटर इसमें इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट लोकेशन से उन्होंने फायर किए, और उन लोकेशन से जो डिफरेंट लोग हर्ट हुए, अभी तो ये जो क्राइम सीन है उससे ये पता चलेगा एग्जैक्टली, आप असरटेन करेंगे कि ये किस तरीके का फायर था, किस किस डायरेक्शन से आया, किस किस वेपन से ये फायर हुआ। उसमें तो एक ब्रस्ट भी जो है ना, उसकी हमें आवाज आ रही है, अगर वो डमी नहीं दिखा रहे एक्चुअल है तो ये इज नॉट दैट सिंपल। पहली बात यह।